फ्रीलांसिंग का वर्ड आजकल बहुत ज़्यादा मकबूल है, बहुत पॉपुलर है, हर तरफ इस पे बात होती है। आपको नज़र आती है कि जी फ्रीलांसर्स जो हैं वो बड़ा पैसा कमा रहे हैं और फ्रीलांसिंग से ये हो रहा है और फ्रीलांसिंग से वो हो रहा है। तो एक्चुअली फ्रीलांसिंग के पीछे क्या स्टोरी है? 25 दिन में पैसा डबल। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम के अंदर हम बात करेंगे गिग इकॉनमी और फ्रीलांसिंग के ऊपर। फ्रीलांसिंग का वर्ड आजकल बहुत ज़्यादा मकबूल है, बहुत पॉपुलर है। सारी कहानी आती है एक और टर्मिनोलॉजी के ऊपर, इसको हम कहते हैं गिग इकॉनमी। फ्रीलांसिंग का वर्ड तो बहुत मशहूर है, गिग इकॉनमी का वर्ड इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। गिग इकॉनमी एक ऐसा फिनोमेना है जहाँ पर हम देखते हैं कि फिक्स जॉब्स और लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होते। गिग इकॉनमी के अंदर गिग जिसे कहते हैं कि बिट्स एंड पीसीज के अंदर जो वर्क असाइनमेंट्स हैं वो वर्कर्स को मिलती हैं। स्किलफुल वर्कर्स क्लाइंट्स के साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए कनेक्टेड होते हैं। लोग बड़े फ्लेक्सिबली काम करते हैं, दे आर फ्री टू वर्क एट देयर ईज, अपने घरों से काम करते हैं। मतलब ये कि वो मुस्तकिल तौर पे किसी भी एम्प्लॉयर के साथ अटैच नहीं होते हैं। ये फ्रीलांसिंग नॉर्मली ये होती है। इस सारे फिनोमेना को हम कहते हैं बेसिकली गिग इकॉनमी। गिग इकॉनमी के अंदर जो है वो वी हैव फ्रीलांसर्स की जो एक शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स लेके क्लाइंट्स के साथ ग्लोबली काम करते हैं और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो उनको कनेक्ट करते हैं। यहाँ तक तो बात ठीक है। अब इसके साथ एक और चीज़ जो है जो समझने की है वो ये है कि दुनिया का जो एग्जिस्टिंग मॉडल था, चल रहा है बहुत मुल्कों में अभी तक भी, कि जिसे हम कहते थे कि एक थ्योरी है जिसको कहते थे ह्यूमन कैपिटल थ्योरी। ह्यूमन कैपिटल थ्योरी ये कहती थी कि जितना आप एजुकेशन हासिल करेंगे उतना ही आपकी इनकम और आपका सोशल स्टैंडिंग जो है वो बढ़ेगा। और इसी की वजह से यूनिवर्सिटीज़ कायम हुई और आपको स्किल, आपको जो एजुकेटेड लेबर चाहिए था आपने उनको अपने काम के लिए इस्तेमाल किया। इदारों ने, गवर्नमेंट ने, हर जगह जो भी लेबर की रिक्वायरमेंट्स हैं वाइट कॉलर लेबर की, तो वो यूनिवर्सिटीज़ प्रोवाइड करती हैं, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स प्रोवाइड करती थी। तो पीछे थ्योरी ये थी ह्यूमन कैपिटल थ्योरी। अब ग्रेजुअली ये दुनिया का जो एनवायरनमेंट चेंज होता गया, टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती गई, चीज़ें तब्दील होती गई, इंडस्ट्रीज चेंज होती गई और फिर इंटरनेट और फिर हाई स्पीड इंटरनेट ने एक और दुनिया का दरवाज़ा खोल दिया। जो स्किलफुल लोग थे वो दुनिया में कहीं भी काम करके अपने लिए अर्निंग हासिल कर सकते थे। और इसके पीछे एक थ्योरी है जिसको कहते हैं स्किल बायस चेंज थ्योरी। यानी दो चीज़ें हो गई। स्किल बायस चेंज थ्योरी बेसिकली ये कहती है कि आपको फ्रीलांस मार्केट में काम करने के लिए डिग्री की ज़रूरत नहीं है, आपको एक मखसूस किसी शोबे में एक स्किल की ज़रूरत है जो कि आप सेल कर सकते हैं ऑनलाइन और उसके अगेंस्ट आपकी अर्निंग होगी। तो जो इम्पोर्टेंट सवाल है वो ये कि फ्यूचर वर्क फोर्स कैसा है या फ्यूचर ऑफ वर्क, अक्सर आप ये वर्ड सुनते भी होंगे, उसके अंदर फ्यूचर लेबर फोर्स कैसी होगी। तो फ्यूचर लेबर फोर्स में आम पे उसके कॉन्टेक्स्ट में अगर बात कर लूँ, अगर ये फ्रीलांसिंग के ट्रेंड्स जारी रहते हैं और की इकोनॉमी जो कि ग्लोबली बहुत ज़्यादा जो है वो बूम पे है, दुनिया में 2023-24 के स्टैटिस्टिक्स ये बताते हैं कि 6 से 7 बिलियन डॉलर्स लोगों ने ये जो वेरीफाइड सोर्सेज के थ्रू कमाए और जो इनफॉर्मल है, जो कि रिकॉर्ड में नहीं है, वो शायद उससे कई सौ गुना भी हो सकती है। बहुत बड़ी बड़ा इसका हुजम है, ये कंटिन्यू कर रहा है। पाकिस्तान रिसेंटली इस फ्रीलांसिंग मार्केट के अंदर 4th या 5th नंबर के ऊपर है। तो सवाल जो मैंने उठाया था कि जो फ्यूचर लेबर फोर्स इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर क्या होगी, हम देख रहे हैं कि डिग्रीज़ की वर्थ ख़त्म होती जा रही है इस कॉन्टेक्स्ट में, कि अगर आप स्पेसिफिकली मेडिकल इंजीनियरिंग की ऐसी कोई डिग्री रखते हैं जो आप मखसूस शोबे के अंदर काम करें तो किसी हद तक ठीक है। इससे हट के जितना यूनिवर्सिटीज़ इस वक्त लेबर फोर्स प्रोड्यूस कर रही हैं उनके ऊपर ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि क्या ये गिग इकॉनमी के अंदर कोई अपना किरदार अदा कर सकते हैं। अगर किरदार अदा कर सकते हैं तो अच्छी बात है, जो कि बाहर नज़र नहीं आता। पाकिस्तान की अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो तकरीबन 8% के आसपास पहुंच चुकी है, जो कि पिछले 1-2 सालों में बहुत ज़्यादा 5-6% से 8% तक पहुंच चुका है। तो नज़र ये आ रहा है कि ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो कि बड़ा कॉमन एक ऑब्जर्वेशन है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट इस तरह से जनरेट नहीं हो रही। हम एंटरप्रेन्योरशिप की भी बात कर रहे हैं, उसका भी इम्पैक्ट इतना होता नज़र नहीं आ रहा। लेकिन कम वक्त के अंदर फ्रीलांस मार्केट ने आपको बहुत ज़्यादा अर्न करके दिया है। पिछले कोई 2 सालों के स्टैटिस्टिक्स हम देखें तो पाकिस्तान ने कोई 500 मिलियन डॉलर्स पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स से इंटरनेशनल मार्केट से उठाए और ये ट्रेंड 2030 तक कहते हैं कि 1.5 से 2 बिलियन डॉलर तक ये कमा सकते हैं। क्या हम प्रिपेयर कर रहे हैं वर्कफोर्स को इस तरह? हो क्या रहा है कि हमारा ग्रेजुएट
कोई और चीज़ पढ़ रहा है यूनिवर्सिटी के अंदर, और फिर 2 महीने का एक कोर्स करके इंटायरली एक और सिमत में निकल जाता है, यानी उसका पिछले 4 साल 2 साल जो यूनिवर्सिटी में वो लगाता है वो उसको फ्रीलांस मार्केट में काम करने के लिए इतना हेल्पफुल नहीं होता। तो बेहतरीन तरीका या अच्छी चीज़ ये होगी गवर्नमेंट और पॉलिसी मेकर्स के लिए कि वो अपने एग्जिस्टिंग जो डिग्री एजुकेशन मॉडल्स हैं उन्हें रिविजिट करें। हम बहुत ज़्यादा पैसा उन पर खर्च कर रहे हैं और आखिर में जो स्टूडेंट है वो छोटा सा कोर्स करके किसी और सिमत पर निकल जाता है, उसको डिग्री की वो वर्थ नज़र नहीं आती कि जिसके लिए उसने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था या हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के अंदर उसने एडमिशन लिया था। तो यहाँ पे जहाँ पे इसके फौरी हमें फ़वाद नज़र आते हैं, थोड़े से नुकसान भी हैं कि शायद जो डिग्री एजुकेशन का लॉन्ग टर्म एक इम्पैक्ट होता है जिसे हम कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग प्रमोट हो, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट हो, वो शायद कम्प्रोमाइज हो जाए। लेकिन अगर हम अपने मौजूदा हालात के अंदर राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स को देखें, वो भी यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स के अंदर, तो हमें यही रास्ता बहुत अच्छा और सीधा नज़र आता है कि आप फ्रीलांसिंग को प्रमोट करें और इसकी स्किल को सिखाएं। ग्लोबली बहुत बड़ी मार्केट है, उससे अपना हिस्सा लें और अपने सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इंश्योर करें। तो जाते जाते 2 सवालात हमारे पॉलिसी मेकर्स के लिए कि क्या हमने इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट किया है रियल टाइम के अंदर आके कि ये इम्पेक्ट कैसा हमारे तालीमी इदारों के ऊपर आ रहा है इस चीज़ का, फ्रीलांसिंग ट्रेंड्स का। और दूसरी बात, क्या हम ट्रेडिशनल तरीकों पर ही इन्वेस्टमेंट किए जा रहे हैं एजुकेशन में, या हम अपने उस पॉलिसी को थोड़ा इम्प्रूव करने की पोजिशन में है। हमारा एक ट्रेडिशनल मॉडल है कि आप डिग्री करें, आप नौकरी ढूँढें, रिटायर होकर घर चले जाएँ। और इसी को अकबर आला आबादी ने एक बड़ा खूबसूरत शेर कहा था कि क्या कहें अहबाब क्या कारें नुमाया कर गए, क्या कहें अहबाब क्या कारें नुमाया कर गए, बीए किया नौकर हुए पेंशन मिली और मर गए। अगर इस एजुकेशन मॉडल को हम कंटिन्यू करते हैं तो शायद ये इतना ज़्यादा कामयाब नहीं है। हम दूसरी तरफ गिग इकोनॉमी के ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं और अपने फ्यूचर लेबर फोर्स को इस तर्ज पर तैयार करते हैं कि वो स्किल्ड है, एजुकेटेड है, और उसके साथ वो स्किल्ड है, तो फिर शायद हम अपना सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बहुत अच्छा होता हुआ देख सकते हैं।